साथियों नमस्कार। जो लोग जो है इस साल 9, 10, 11 और 12 में एडमिशन कराएंगे, उन लोगों को छात्रवृत्ति फार्म भरने के लिए जो है कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप टाइम से नहीं बनवा लेते हैं तो आपका छात्रवृत्ति फार्म नहीं भरा पाता है, और जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है यानी छात्रवृत्ति मिलता है वो पैसा आपको नहीं मिल पाता है। तो साथियों, समय से जो है यदि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेते हैं तो आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में आसानी रहेगी, और आपको जो भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कब इसका लास्ट डेट है, इन सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, भागा भागा देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपसे छूट जाएगी। जो भी लोग साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन करने वाले हैं वो लोग भी इन सारे लिस्ट को अपने दुकान के बाहर लगा सकते हैं, और विद्यालय पर भी इसकी लिस्ट लग जाती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। लेकिन मैं भी जो है इसको विस्तार से बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, यहाँ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति ऑनलाइन फार्म 2019, यूपी स्कॉलरशिप 2019-20। साथियों, इसको आप आवेदन करने के लिए जो है तो आप देख सकते हैं जो है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दसमोत्तर छात्रवृत्ति सन 2019-20 के लिए ऑनलाइन यूपी छात्रवृत्ति फार्म जारी किया गया है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार अपने ऑनलाइन फार्म आप भेज सकते हैं। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। स्कॉलरशिप 2019-20 आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2019 है। मैं पूरा इसे विस्तार से बता रहा हूं आपको, और मैं पूरा समझा रहा हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और क्या इसका लास्ट डेट है। तो आप यहां देख सकते हैं महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियों पर आज आप चलेंगे हम लोग। तो यहां पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा 1 जुलाई 2019 से, और आवेदन के अंतिम तिथि जो है 28 सितंबर 2019 और 1 नवंबर 2019 दसमोत्तर यानी के लिए। इसके अलावा जो है पूरा फार्म के समाप्ति के लिए 28 सितंबर 2019 और 1 नवंबर 2019 दसमोत्तर के लिए, और अंतिम फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2019 और 7 नवंबर 2019 दसमोत्तर के लिए। इसके अलावा जो है आपको क्या क्या चीज़ें होंगी और पाठ्यक्रम क्या होगा, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत उम्मीदवार किसी भी तरह का नामांकन फार्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं, क्या क्या लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इन सारे चीज़ों को भी मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दिखाया गया है आवश्यक दस्तावेज। इसमें जो है अंतिम योग्यता परीक्षा चिन्ह सीट, मतलब जो आप लास्ट टाइम परीक्षा दिए हुए हैं 8 का या 9 का 10 का जो भी दिए हैं उसका जो भी आपके पास मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो चाहिए। उसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अगर आप SC OBC में आते हैं जनरल में हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र सबको अनिवार्य है, आय प्रमाण पत्र सबको बनवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा बैंक पासबुक चाहिए आपको, और शुल्क रसीद की संख्या, जो आप एडमिशन कराएंगे एडमिशन कराने के बाद जो आपको रसीद मिलती है वह रसीद जो है भी आपको यहाँ अटैच करना होगा। उसके अलावा जो है वार्षिक गैप वापसी कोष राशि, जो भी वहाँ पर शुल्क राशि होगा वहाँ दर्शाना होगा, और नामांकन संख्या जो होगा आपका वो नामांकन संख्या भी आपको यहाँ पर डालना होगा, उसका भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इसके अलावा जो है आपको आधार कार्ड की संख्या और नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी साथियों आपको एक फ़ोटो की भी आवश्यकता लगेगी, जो फ़ोटो जल्दी का हो, बहुत पुराना फ़ोटो ना हो। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति ऑनलाइन 2019-20 स्कॉलरशिप अगर आप सर्च करते हैं तो स्कॉलरशिप आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, अपने नज़दीकी साइबर कैफे से भी भर सकते हैं, लेकिन आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जो है परेशान
करने वाला जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो होता है आय प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र, जो कि यह लेखपाल या लेखपाल से संबंधित जो कानगो तहसीलदार उनके द्वारा ये जारी होता है, जिसकी वजह से इसको तो बनने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसलिए आप लोग हैं जात प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें और बैंक अकाउंट खुलवा लें, जो आपको फॉर्म भरने में अधिक उपयोगी होगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। साथियों, नमस्कार।